गर्म तो यहाँ पता ही नहीं चल रहा है, चुनाव गर्म है एक ठंडा है, यहाँ कैंपेन तो कुछ हो ही नहीं रही है। मोदी के विरोध में कोई कंपटीटर ही नहीं है। आज मोदी के राज में यूं फटाफट आप बाजार में जाओ, पैसा निकलने के चलते मोबाइल निकालो फटाफट पैसा। आज हमें बांद्रा ईस्ट के बांद्रा कोर्ट में, और हम आज एक एडवोकेट से बात करने जा रहे हैं। इनका इंट्रोडक्शन पहले लेते हैं हम लोग। सर आपका इंट्रोडक्शन। एडवोकेट राकेश त्रिपाठी। सर अभी जो माहौल गर्म है चुनाव का, इस बीच आपका क्या सोचना है कि कौन सी पार्टी सामने आएगी, एनडीए की या इंडी की? अब कहाँ चुनाव गर्म तो यहाँ पता ही नहीं चल रहा है, एक चुनाव गर्म है एक ठंडा है, लेकिन ऐसा जो न्यूज के माध्यम सुनने में आ रहा है कि वो बीजेपी ही आ रही है आपको एनडीए। लेकिन ऐसा क्यों कि खाली बीजेपी आ रही है और एनडीए नहीं आ रहा है, इंडिया नहीं आ रहा है ना? ऐसा अब उनका सर्वे है, सर्वे रिपोर्ट मार रहा है, बाकी यहाँ कैंपेन तो कुछ हो ही नहीं रही है। अच्छा अभी मतलब बम्बई में पूरी तरह से माहौल गर्म नहीं आपका कहना है? नेता को हमने देखा ही नहीं, नाम तो सुने हैं, उज्ज्वल निकम जी हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन कभी इधर आए नहीं, अब देखिए कब आते हैं। तो यहाँ से सर इंडिया का कौन सा नेता खड़ा है, कौन लड़ेगा, उसका कुछ बैकग्राउंड मतलब कुछ अभी पता चला है? नहीं अभी कुछ नहीं। दोनों ही पार्टियों का कोई नहीं, भी एनडीए का तो मालूम पड़ा कि यहाँ से जो है उज्ज्वल निकम चुनाव लड़ रहे हैं। उज्ज्वल निकम, हाँ निकम। आप चाहते हैं कि बीजेपी पूरे बहुमत के साथ आए? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल चाहता हूँ। उन्होंने अभी तक क्या काम ऐसे किए हैं, उसमें से तीन काम आप बताइए जो उन्होंने विकास के लिए किया हो। विकास के कामों में जैसे रेलवे का काम हुआ, सड़क के काम हुए, राशन का अनवरत चल ही रहा है, 500 रुपए किसान समृद्धि योजना में जा ही रहा है, बड़े बड़े ब्रिज का निर्माण हो ही रहा है, तो ऐसे तमाम बहुत सारे काम हैं बीजेपी के या एनडीए के, जिससे लग रहा है क्योंकि उसने जो भी काम किया है किसी पर्टिकुलर धर्म जात विशेष के लिए नहीं, अब तक के जो काम कम है ज़्यादा है वो अलग विषय है, लेकिन जो भी उसने काम किया है बीजेपी ने सबके लिए किया है। तो अभी ऐसे कौन से तीन काम हैं जो आप चाहते हैं कि होने चाहिए थे पर नहीं हुए? अब जैसे अब एक बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, महंगाई एक बड़ी समस्या है, तो ये तो दो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और बाकी ऐसे जो काम शिक्षा में भाई अच्छा और हो ये ज़रूरी है। अभी मोदी जी ने थोड़े दिन पहले एक युवाओं के लिए योजना निकाला था जो आर्मी में भर्ती होने के लिए था, उसके बारे में सर कुछ बताएंगे? अब उसके बारे में कोई बुराई तो नहीं थी, लेकिन अब विपक्ष ने इतने जोर शोर से हमला कर दिया, कहाँ अब 5 साल की कौन कहे, अब एक दिन की भी रोजी छिन रही है, इस तरीके से हो रहा है, तो अब उस पर भी समझिए विराम ही लगा हुआ है। नहीं कम से कम 5 साल एक आपको सर्टिफिकेट मिलता, उसके बिहाफ पे आप और कहीं जा पा सकते थे, आर्मी में भी आपको आगे मौका मिलता। राम मंदिर का एक मुद्दा बहुत गर्म है, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? राम मंदिर का कोई मुद्दा बचा ही नहीं है क्योंकि मंदिर बन गया है, तो मुद्दा गर्म होने का सवाल ही नहीं उठता है। उसको लेके सर विपक्ष अभी बहुत सारी बातें कर रहा है, जैसे विपक्ष का कहना है कि वो मोदी जी ने नहीं जिताया, मोदी जी ने नहीं बनाया, वो हमारे जो कोर्ट के आदेश से बना है, कोर्ट ने आदेश दिया उसे बनाने का। लेकिन भूमिका किसकी मानी जाएगी? भूमिका तो मोदी की मानी जाएगी ना, इसके अगुवाई तो नरेंद्र मोदी जी ने ही की ना, तो सारा श्रेय मोदी जी के अलावा फिर जनता को जाएगा, भक्तों को जाएगा जो राम के भक्त हैं, सनातन को जाएगा जो उसके अनुयायी हैं। आप पूरे भारतवर्ष में घूम के देखिए, जो भी पिछड़े क्षेत्र थे वहाँ पर उन्होंने पानी की व्यवस्था की, बिजली की व्यवस्था की, उद्योग की व्यवस्था की, यहाँ तक कि किसानों को मासिक हर 3 महीने पर 2,000 रुपया दे रहे हैं, इससे बढ़ के आपको और क्या चाहिए? सर आपको ये एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि राहुल गांधी ने भी अभी एक योजना का ये किया है कि हर औरतों को 1,00,000 रुपया मिलेगा, हर औरतों को 1,00,000 रुपया मिलेगा। देखिए राहुल जी अपने पास से तो देंगे नहीं, जब सरकारें आती हैं तो जनता का पैसा ही जनता को दिया जाता है, अब वो देंगे कब जब उनकी सरकारें आएंगी तब? वादा तो कोई कुछ भी कर सकता है। मोदी जी ने जो वादे किए आपको लगता है कि उन्होंने वो सारे पूरे किए? भाई आपने राम मंदिर देखा, आपने 370 देखा,
राशन वितरण देख रही हो, किसानों को मासिक पेंशन देख रही हो, अनगिनत काम किए। चुनाव वहाँ असमंजस में होता है जहाँ पर कोई विरोधी हो। मोदी का विरोधी कोई कंप्यूटर मुझे दिख ही नहीं रहा है। राहुल गांधी है ना सर, राहुल गांधी के बारे में बताइए ना। राहुल गांधी में वो इतनी योग्यता नहीं है, योग्यता अनुभव से आता है। राहुल गांधी को तो सब कुछ आता है, मोदी को कुछ नहीं आता। वो 25 लाख का बोलते इंश्योरेंस देंगे, काय का देंगे, जब उसके उसका दादा पंतप्रधान था, उसका बाप पंतप्रधान, उसकी दादी पंतप्रधान, सब प्राइम मिनिस्टर, कोई क्या किया देश के लिए। वो मोदी आए तो कुछ किया, पब्लिक को दिखाया, आज पब्लिक के डायरेक्ट अकाउंट में पैसे था, पब्लिक को घर मिले, संडास मिले, माँ औरत बाल बच्ची की इज्जत बचाए, और क्या चाहिए। हाँ तो आपका क्या सोचना है कि आप क्या सोचना है, जो 70 साल कांग्रेस ने किया, 10 साल मोदी ने किया, खत्म बात। कि हमको चोरी को जीने को सिखाया 70 साल में कांग्रेस ने, तुम भी खाओ हम भी खाएंगे। अरे हमको 1 रुपया देता था साला, वो 100 रुपया खाता था, वही आदत हमको पब्लिक को पड़ गई, इसलिए GST VAT हमको आज भारी पड़ रहा है। बस हुआ है, तीसरा चरण 7 तारीख को है, अभी 2 चरण में ही NDA आगे है, तीसरे चरण से तो और आगे होने वाला है, क्योंकि यूपी के सारे सीट्स बाकी हैं, नॉर्थ के सारी सीटें बाकी हैं, बंगाल की सीटें हैं, उड़ीसा की हैं। NDA बहुत, जो मोदी जी ने कहा है 400 के पार नहीं होगा, 400 के लगभग जरूर होगा। अभी उन्होंने एक मुद्दा उठाया था सर, मशीन का, कांग्रेस का कहना था कि मशीन जो है वो फेक आ रही है, मतलब एकदम झूठी बात है। क्या जब कांग्रेस जीता था कर्नाटक में तो मशीन नहीं थी, ये सब कहने की बात है। कर्नाटक में कांग्रेस ने जीता वहाँ फेक मशीन थी, ये सब कोई मतलब नहीं है, ये सब हताशा का परिचय है। मोदी की 3 उपलब्धियाँ बताइए सर, जो आपको ऐसा लगता है कि मोदी ने जो भी किया वो सही था। मोदी की 3 नहीं, मैं आपको 30 उपलब्धियाँ बता सकता हूँ। मोदी ने जो यहाँ जितने जो गरीब और सब लोग हैं, सबसे बड़ा उनकी उपलब्धि है जनधन में जो अकाउंट खुला है, गरीब कभी बैंक नहीं जाते थे, आज सारे लोग जो है सबका हेल्थ इंश्योरेंस जो हो रहा है मोदी की देन है। उनकी जितनी योजनाएं हैं सब बहुत अच्छी योजनाएं हैं। उन्होंने विदेशों में सर देश के लिए क्या काम किया है? विदेशों में तो उन्होंने जो किया है 70 साल तक किसी ने नहीं किया है। जो धाक आज मोदी जी की विदेशों में है, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनको बॉस मोदी जी बोलता है, एकम उपलब्धि है। आज मोदी जी जाते हैं पूरी दुनिया में, उनका एक अलग महत्व होता है। और सर मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी हमारे देश में मोदी किस हद तक ज़्यादा प्रेरणादायी हो गए हैं? अभी हमारे देश में मोदी जी 2029 तक रहेंगे, खुद मोदी जी, उसके बाद मोदी जी का मिशन 2047 तक है, और ये 2047 में हमारा भारत पूर्ण विकसित हो जाएगा, ऐसा मोदी जी का सोचना है, उनका मिशन है। और ये सब के बीच में राहुल गांधी जी का क्या होगा? राहुल गांधी ठीक है, नौजवान आदमी हैं, अच्छे हैं, थोड़ा दिमाग से 4 आना कम है, इसको 4 आना कम कर सकते हैं। और मायावती, ममता बनर्जी, ये जो ये लोग जातवादी पार्टियों से हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। मायावती का कोई मतलब नहीं है, एक जात विशेष से काम करती हैं। ममता बनर्जी तो तुष्टिकरण पे केवल बांग्लादेशी और रोहिंग्या की बात करती हैं, और कोई मतलब नहीं है। इन लोगों से देश की कोई अपेक्षा नहीं कर सकते आप। तो अभी आप हमारा कांग्रेस है। अच्छा, कांग्रेस जीतना चाहिए। हाँ, कांग्रेस जीतने से क्यों? उसने अभी तक 70 सालों में क्या क्या काम किया? क्या काम, कुछ नहीं, गरीब लोग, सब लोग मर रहे हैं। हाँ, तो फिर भी आप उसको देंगे? हाँ, आप फिर भी वोटिंग के लिए कांग्रेस को ही चुनेंगे? कांग्रेस क्या, कांग्रेस अच्छा की है ये? हाँ। मोदी क्या की है? अच्छा, हाँ, कुछ नहीं, सब गरीब लोग मर रहे हैं। हाँ, जैसे क्या मुद्दा है कि गरीब मर रहे, क्या है ये सब, क्या है, बेच के खा रहे हो? जो आप बता रहे हैं कि ये स्लम टूटने वाला है। हाँ, सब टूटने वाला है, ये धारा ही बेच के का है वो। अच्छा, तो उसके लिए कांग्रेस क्या कर रही है? हाँ, कांग्रेस ही रहेगा। कुछ वादे वगैरह किए कांग्रेस ने? आई थी कांग्रेस का जो प्रत्याशी था वो कभी आप लोग तक आया? वो बहुत कुछ ही किए, वो कांग्रेस ही अच्छे किए, क्या कोई पार्टी अच्छा नहीं की है ना, इधर ही लेगा वो, क्या लंबा लेगा क्या? हाँ। तो आप लोगों का सब डन हो गया कि यहाँ पे स्लम टूटने के बाद आप लोगों को रूम मिलने वाला है? नहीं, वो सब नहीं था, वो मालूम नहीं है अभी तक, खाली टूटने वाला है, लंबा टालने वाला है बोल के यही बात सुन रहे हैं। तो अभी आपको यही बना के यही धारा में मांगते है। हाँ। इतना क्या है, ये हम लोग अभी धरावी के एरिया में है जहाँ पे हम लोग लोगों का मत जानने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे एक मुद्दा मिला है कि जो स्लम टूट रहा है
तो यहाँ की जनता ये चाहती है कि इस बार की चुनाव में वो सरकार यहाँ पे आए जो इस स्लम के लिए काम करे और इनका घर खाली कराने के बाद भी इनको यहीं पे रहने का, यहीं पे आवास मिले। आंटी, जैसे अभी धरावी में एक खास मुद्दा चल रहा है स्लम को लेके, स्लम को तोड़ा जा रहा है, बहुत लोगों को बेघर किया जा रहा है, उसके बहुत महीनों से उसके ऊपर आवाज़ें उठ रही हैं, तो आने वाली सरकार से जो सरकार अभी जीत के आएगी वो उससे आप क्या मांग करते हो? मैं यही मांग करेंगा हम लोग के लिए अच्छे से जो भी है, हम जो जगह पे है वही जगह में देना चाहिए जो जीत के आते हैं, लेकिन बाद में ये नहीं होना चाहिए कि अपने लिए एकदम सहूलत चाहिए ना, वो जीत के आते हमारे लिए उनकी धन्यवाद है, लेकिन व्यवस्था करके हम लोग किधर ही रखना, दोपड़पट्टी देना, काम नहीं है बच्चों लोग को, काम भी नहीं है, यही बात होता है। आप क्या करें? तोड़ेंगे, वहाँ जाएंगे, वो रखेंगे इधर, ये दुनिया का टेंशन। जब भी दोपड़पट्टी तो हम कितना मेहनत किया इधर, कितने लोग मेहनत किया, लेकिन वो कोई नहीं जानते, बस बस गया, उसके लिए कुछ सोचते रहते वो लोग भी, बस इतना ही, धन्यवाद आपको। आंटी ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है यहाँ पे, ये धरावी एशिया की सबसे बड़ी स्लम सिटी है, यहाँ पे लोग रहने के साथ यहाँ पे बहुत सारे नौजवान युवक और युवतियाँ बेघर हैं, सॉरी बेघर नहीं, उनके पास काम नहीं है, जो बिना काम के ही इस तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, तो इनकी मांग है कि उनको सरकार जो भी आए लेकिन पहले उनको उनका वो काम दे, हमारा स्लम ना तोड़ा जाए, और अगर तोड़ भी रहे हैं तो यहाँ पे ही उनको वापस से आवाज़ भी मिले।